शास्त्रीनगर में पानी की समस्या से राजनीतिक गलियारे में हलचल देखने को मिल रही है। विपक्ष के नेतागण यहां की समस्या सुनकर अचंभव हैं, क्योंकि गांव शास्त्रीनगर चंडीगढ़ में होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि यहां पर रह रहे हजारों लोगों को पानी, बिजली, खस्ता हाल सड़क, सीवरेज की समस्या से निजात दिलाएं। आपको बता दें, समाजसेवी सोनू शर्मा और उनकी टीम आज शास्त्रीनगर निवासियों से मिली, जहां उनकी समस्या सुनकर दंग रह गए। सोनू शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि करीब 20 दिनों से शास्त्रीनगर में पानी नहीं आ रहा और यहां के लोग टैंकरों से पानी पीने पर मजबूर हैं और वाटर सप्लाई के अधिकारी नींद में सोए हैं। सोनू शर्मा ने कहा, अगर आज पानी नहीं आया तो मनी माजरा नगर निगम के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को पानी जल्द मिल सके। देखें, चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। यहाँ मैं बड़े कड़वी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। माँ दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। सुनिए कहानी, यहाँ बहुत से लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हर घर जिस घर पानी पहुँच भी रहा है उनको भी यहाँ खड़े होना चाहिए। जिनके घर नहीं पहुँच रहा वो तो आएंगे, जिनके घर पानी पहुंच रहा है वो भी यहाँ के दुख दर्द नहीं समझते। तो ये ऐसी आजादी, ऐसा आजादी दिवस मनाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। क्षमा चाहूंगा, इरादा नहीं कर रहा हमारी आजादी का, लेकिन ऐसी आजादी किस काम की जहाँ जान को जान की कीमत का ही नहीं पता। ये बिना तो जीवन है क्या, बिना पानी के चलेंगे किस तरह? कितनी सप्लाई में पानी लेके आ रहे हो आप? हर घर से एक व्यक्ति भेज दो, 500 है घर यहाँ पे, अगर मैं गलत हूँ तो देना, 500 घर होंगे मेरे ख्याल से। एक एक आदमी भेज दोगे 500 में तो चंडीगढ़ जाएगा। भाई ने एप्लीकेशन दी है, हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनता तो तैयारी जरूरत है। ऐसा ना हो कि हर घर से बुलाना पड़े। देखो, अब भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, आगे भी आपके लिए लड़ूंगा और काम भी कराऊंगा। सोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनू भाई आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया शब्द कह दिए भाई। अगर ये ऐसी रहेगी ना तो एक एक घर एक एक हम आपके साथ। मैं लड़ता है, मेरा भाई लड़ते लड़ते मर गया इस कॉलोनी के लिए। मेरा छोटा भाई अमित, वो लड़ा यहाँ पर, रोज आके खड़ा होता था, लड़ता लड़ता वो अपना बलिदान दे गया। आज मैं उसकी जगह खड़ा हो रहा हूँ, उसके कामों का अधूरा नहीं रहने दूंगा, पूरा कर दो उसके कामों को। मुझे कोई गद्दी की जरूरत नहीं है, के लिए भावुक हो गया मेरी जान ज्यादा, वो काफी अटैचमेंट रही है। ऐसी टीम छोड़ गया, ऐसा परिवार छोड़ गया, दुखी होने की जरूरत नहीं है। सही बात है, हाँ, उसकी कमी तो पूरी नहीं कर पाएगा कोई, लेकिन याद रखना कि वो ऐसे टीम छोड़ के गया जो सच में दिल से बिना किसी दिखावे प्रशासन ने रुला रखा है, प्रशासन ने रुला रखा है। तो अभी जैसे देखा जाए, हम एक परिवार हैं, पहली चीज ये मानो। मैं कहीं गलत कह दूं तो भाई साहब माफी चाहूंगा, लेकिन वो दिल की बात कह रहा हूँ, सबसे पहले परिवार मानो। उन्हें पता है कि जब वक्त आएगा पानी की जगह, मैं जहाँ भाषण दे रहा हूँ मेरी बाल्टी भी आगे हो जाएगी, वहाँ अपने आप समाज बिखर जाएगा। फूट डाल दी, अंग्रेजों ने यही किया, आज से पहले यही होता है, उसके बाद अपना फायदा उठा लो आप। ये हमने होने नहीं देना, आप अपना समाज खराब मत करो। कहते बहन तू आ गया, तू बाल्टी भर पहले, पानी सबके लिए पर्याप्त जो पहुंच जाएगा, जितने टैंकर होंगे हम कोशिश करेंगे और भी पहुंचाए जाए, लेकिन सबसे पहले अपना समाज मत खराब होने दे। किसी की बातों में आके वो फलाना ऐसा वो वैसा, हम एक परिवार है ना, तो ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का, ये जो बहुत बड़ी चीज। सोनू भाई आज यहाँ बोर नहीं खुदवा देगा, ये लड़ सकता है, लेकिन कब? जब आपका साथ है। आप पीछे नहीं हो तो भाई साहब किसी को भी आगे खड़ा दो। ये मैं गरेवाल साहब का सुन रहा था, और भी यहाँ बहुत से साथी हैं, नोनी भाई तो हमेशा लगे रहते, राजीव भाई को तो हम देखते ही आ रहे हैं कितने काम कर रहे हैं। ये सभी कर पाते हैं जब आपकी ताकत है। मैं आज बात चल रही थी कि सड़क पे हम बैठते हैं, यहाँ पे पूरा जो लाइटें हैं यहाँ चारों तरफ बैठ जाए, लेकिन जब हम बैठ जाएंगे और आप लोग नहीं बैठेंगे तो हमारी पावर आधी हो जाएगी, बिना किसी पार्टी के बैनर के विषय, बिना किसी राजनीति से, सीधा एक करके गली बनाओ। अगर हमें पैसा इकट्ठा करके गली बनवाना, हमें प्रधान की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही प्रधान है, हम प्रधान के प्रधान है, हमें कोई प्रधान की जरूरत नहीं है। अगर आज
आज ये वीडियो के ये मीडिया के माध्यम से अगर हमारे में पानी की कुछ भी किल्लत में आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अगली बार ये पूरा रोड बंद कर देंगे, उसके बाद संपर्क बंद कर देंगे। अपना हक जहाँ ना मिले ना वहाँ छीन लो, छीनना पड़ेगा। ये तो भेड़ बकरियाँ रह जाएंगे हम लोग, भेड़ बकरियाँ। यहाँ पे बहुत बंदे ये कहते हैं कि हम प्रधानी में थे, सरपंची में थे, हमारे बस का नहीं था। अगर प्रधानी और सरपंची में कुछ नहीं था ना तो खड़े भी मत होते। क्यों खड़े थे? सिर्फ नोट खाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है कि नहीं? हमारे तो बड़ी बड़ी, हमने बड़ी बड़ी इधर इमारतें अपने खून पसीने से करके लगा दिया, क्या दिया प्रशासन ने? ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना गली है। और फिर कहते हैं हम चंडीगढ़ में रहे। चंडीगढ़ का कौन सा हिस्सा ऐसा है ये बताओ? आपको तो घटना में रखा हुआ है, आपको घटना में रहना। एक चीज और याद रखो, एक चीज और देखो, ध्यान दो कि खुद मरे बिना कभी स्वर्ग नहीं मिलता, तो खुद ही करना पड़ेगा। बाहर का कोई आगे नहीं, कोई कुआ नहीं। और बड़ी जल्दी मैं ये लेटर करवा के अपडेट करके जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपको लेटर दे दूंगा सबके साथ बना दिया, ठीक है? आपका लाइव वीडियो वहाँ दिखा के, ठीक है? ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ आता सेंटर में, ये डायरेक्ट इसको भारत के प्रधानमंत्री के पास है। सेंटर की जो सरकार होती है उसमें सबसे ज्यादा पैसा उसके पास होता है, सबसे ज्यादा ताकत उसके पास होती है। आप स्टेट में चलेगा, पंजाब में चलेगा, मोहाली में चलेगा, जगतपुरा में चलेगा, छोटे मोटे गाँव ऐसी कॉलोनिया है, बहुत कच्ची कॉलोनिया है। वहाँ कम से कम नलके तो हैं लोगों के, हर घर में नलका है, लोगों को पानी भी मिल रहा है, लोग पानी का यूज भी कर रहे हैं। यहाँ तो नलका भी नहीं है, यहाँ तो पता नहीं चलेगा। जेब से पैसे दे के आप लोग पानी का कनेक्शन लगवा रहे हो, वही है। और वही मेरे का पानी दो टाइम आता होगा, सुबह और शाम।